गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोल। तो आज जो जीएस का पेपर करवाया था मैंने, वही डिस्कस कर रहे थे हम, देख लेते हैं उसको। आज आप लोगों का 10 नंबर टेस्ट हुआ था, टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट था आज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। उसका डिस्कशन हम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन मैंने अभी 3:30 वाली क्लास में कराए हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। तो क्विक केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम सब लिखा रखे हैं जनरल साइंस वाली क्लास में। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, नेक्स्ट इज जिप्सम का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिप्सम का फार्मूला बताइए। Ca(SO4.2H2) दैट इज जिप्सम। Ca(SO4.2H2) जिप्सम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हुक्स लॉ, क्या रिप्रेजेंट करता है हुक्स लॉ को। जनरल क्वेश्चन है, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में इनमें से कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। अंकुश चतुर्वेदी, जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से क्या लगाते हैं, ये ऑप्शन थे ना, ऑप्शन के हिसाब से बताओ क्या आंसर बनेगा यार। टेक्निकल के हिसाब से हम नहीं पूछ रहे, हम जनरल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। टेक्निकल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ जनरल क्वेश्चन की बात करें, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है हमें ड्राई क्लीनिंग के लिए क्या क्या यूज होता है इसमें से। अब बीओडी का क्वेश्चन आता है जीएस में, सिंपल क्वेश्चन पूछता है बीओडी क्या से रिलेटेड है, वाटर पॉल्यूशन। टेक्निकल में जाओगे तो उसमें न्यूमेरिकल, उसकी और भी वैल्यू वैल्यू पूछता है, वो हमारे मतलब का नहीं है। तीनों ही ड्राई क्लीनिंग में तीनों इस्तेमाल होता है, नेफ्था बेंजीन टेट्रा क्लोरो एथिलीन, नेफ्था बेंजीन टेट्रा क्लोरो एथिलीन। इन ड्राई क्लीनिंग क्लींसिंग इज अचीव्ड बाय द एक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट विच डिजॉल्व्स आउट द स्टिकी मैटर ड्यू टू इट्स लाइक नेचर। ड्राई क्लीनिंग फ्लूड सर्व एज अ व्हीकल टू कैरी अवे द सॉइल, कैम्फीन नेप्था बेंजीन बेंजोल पेट्रोल कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्राईक्लोरोएथिलीन
टेट्राक्लोरोएथिलीन आर सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड ड्राई क्लीनिंग फ्लूड्स। हाउएवर टेट्राक्लोरोएथिलीन एब्रिविएटेड पर्क PERC इन द इंडस्ट्री इज अ कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। Which of the following is the essential element for batteries used in electric cars? Which of the following is the essential element for batteries used in electric car? Electric car में कौन सी battery use होती है? लिथियम आयन बैटरी। गौतम कुमार, CAPF के लिए पहले मैंने जितना पढ़ाया है वो कंप्लीट करना, जितना मैंने पढ़ाया है पहले वो कंप्लीट करना, फिर CAPF के प्रीवियस ईयर पेपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके बैठना। उसमें तुम्हें जरूरत पड़ेगी हिस्ट्री पढ़ने की, हिस्ट्री में और पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड NCERT जो मैंने रिकमेंड कर रखे हैं सिविल्स के लिए। तो जितना मैंने पढ़ाया है पहले वो पढ़ो और प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ 2020 से लेके 10 तक के, फिर उसमें तुम्हें फील होगा कि क्या क्या और पढ़ने की जरूरत, जो सब्जेक्ट और पढ़ने की जरूरत पड़े वो मेरे से पूछ लो, पर पहले एनालिसिस करो उसका। किसके समय में हो गई थी जागीरदारी क्राइसिस? जैसे स्पेनिश अल्सर नेपोलियन को खा गया, उसी तरह डक्कन का अल्सर किसको खा गया? डक्कन प्रॉब्लम से कॉल डील नहीं कर पाया था। जैसे स्पेनिश अल्सर नेपोलियन को खा गया, उसी तरह डक्कन की प्रॉब्लम को कौन डील नहीं कर पाया था? मैकेनिकल टेकटॉक 65 मार्क्स आए हैं, ठीक है स्कोर, स्कोर ठीक है। औरंगजेब, जागीरदारी क्राइसिस प्रॉब्लम हो गई थी औरंगजेब के समय में। Which of the following UT of India was occupied by Japan during World War II? कौन सा UT है जो जापान ने ऑक्यूपाई कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान? अंडमान निकोबार। Consider the following statement. The Ilbert Bill controversy caused the greatest racial cleavage in India prior to establishment of the Indian National Congress. Viceroy Ripon actually desired to abolish the racial prejudice from the IPC while introducing this bill. Batao kya answer hoga? Ilbert Bill controversy caused the greatest racial cleavage in India prior to the establishment of Congress. 1885 में कांग्रेस बना था, 84 का ये था, और Viceroy Ripon इसने सपोर्ट किया था कि इंडियन जजेस भी ब्रिटिशर्स के मामलों को देख सकते हैं। इसने कहा था इंडियन जजेस भी ब्रिटिशर्स के मामलों को डील कर सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। तो दोनों पॉइंट हमारे सही हैं, दोनों पॉइंट सही हैं। यहाँ से पढ़ो, कोटनी परगिन इल्बर्ट द लॉ मेंबर ऑफ वाइसराय काउंसिल प्रिपेयर्ड अ बिल इन 1883 ड्यूरिंग द वाइसरायशिप ऑफ ड्रिपन विच इज पॉपुलरली नोन एज इल्बर्ट बिल। इट सजेस्टेड टू अलाउ द सीनियर इंडियन मजिस्ट्रेट
टू प्रिसाइड ओवर केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश पर्सनल इन इंडिया, द ब्रिटिश टी एंड इंडिगो प्लांटेशन ओनर इन बंगाल ट्रेमेंडसली अपोज द बिल. द मेन इंटेंशन ऑफ रिपन वॉज टू एबोलिश द रेशियल प्रिजुडाइज फ्रॉम द इंडियन पेनल कोड. एक बार रीड कर लीजिए, इसको पढ़ने में आ रहा है ठीक से? पढ़ने में आ रहा है? महाकाली ट्रीटी. महाकाली ट्रीटी इंडिया और किस देश के बीच में है? अभी हाल ही में न्यूज में रहा लिपुलेख, सुगोली ट्रीटी, क्योंकि इंडिया ने उत्तराखंड से एक रूट निकाला है मानसरोवर के लिए, तो लिपुलेख, सुगोली ट्रीटी, ये सब वर्ड, काला पानी, ये सब हाल फिलहाल में न्यूज में रहे. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, महाकाली ट्रीटी, ये सब है इंडिया नेपाल के बीच. रक्सौल इंडिया, रक्सौल काठमांडू रेलवे पर, ये रेलवे लाइन, रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन या मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, ये सब चीज़ें किसके बीच में? इंडिया नेपाल. अयोध्या जनकपुर बस सर्विस किसके बीच? इंडिया नेपाल. ट्रीटी ऑफ यांडवू, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ट्रीटी ऑफ यांडवू, द ट्रीटी ऑफ यांडवू वॉज साइंड बाय द ब्रिटिश कैंपबेल था एंड द बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, ऑन 24 February 1826. द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर केम टू सेसेशन थ्रू दिस ट्रीटी. द स्टेट ऑफ असम वॉज एनेक्स्ड, कैप्चर्ड विद ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांडवू. यांडवू की ट्रीटी, क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसका ईयर भी आ जाता है, ईयर भी आता है क्वेश्चन, और किसके बारे में है ये भी पूछता है. यांडवू की ट्रीटी बर्मा के साथ साइन हुई थी ब्रिटिशर्स की, असम को एनेक्स कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, 24 February 1826 को साइन हुआ. '57 का जो विद्रोह है मेरठ से कब शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से कब शुरू हुआ है? कब? May 10, 1857. 10 May 1857. देखो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन एज अ म्यूटिनी ऑफ सिपॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी ऑन 10 May 1857 इन मेरठ कैंटनमेंट. इट सून एस्केलेटेड इनटू अदर म्यूटिनीज एंड सिविल रेबेलियंस लार्जली इन द अपर गंगा प्लेन एंड सेंट्रल इंडिया विद मेजर हॉस्टिलिटीज कन्फाइंड टू प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश बिहार नॉर्दर्न MP एंड द दिल्ली रीजन. With reference to fish production in India, which among the following is or are correct statements? Fish production in India के बारे में क्या बात सही है?
बताओ क्या आंसर होगा। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ट्रू। इन द टोटल फिश प्रोडक्शन मैरीन सेक्टर हैज लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन देन इनलैंड सेक्टर। द स्कीम ब्लू रिवॉल्यूशन इनलैंड फिशरी इज बींग इम्प्लीमेंटेड टू इन्हेंस फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। देखो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। द टोटल फिश प्रोडक्शन इज एट 9.58 मिलियन टन फ्रॉम इनलैंड एंड 3.44 फ्रॉम मैरीन। तो रिवर वगैरह से जो फिश प्रोडक्शन है ज़्यादा है मैरीन के मुकाबले। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड इम्प्लीमेंट ब्लू रिवॉल्यूशन इनलैंड फिशरी जिसका उद्देश्य है कंट्री में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिसका प्रोविजन 50 करोड़ नहीं ज़्यादा होगा इससे। चलो अमाउंट से मतलब नहीं है, अमाउंट नहीं पूछा गया, हमें सिंपल ध्यान रखना क्या पॉइंट सही है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशिंग का वर्ल्ड में, ट्रू। मैरीन सेक्टर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, गलत। इनलैंड जो फिशरी सेक्टर, इनलैंड फिशेज जो है ज़्यादा है, मतलब रिवर से जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है मैरीन के मुकाबले। और स्कीम ब्लू रिवॉल्यूशन इनलैंड फिशरी बींग इम्प्लीमेंटेड 1 एंड 3। आंसर इज ए 1 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Consider the following feature of Government of India Act 1935। The feature of the Government of India Act 1935 are introduction of diarchy at center by abolishing provincial diarchy, abolition of Indian Council by replacing advisory body. See the answer D 1 and 3। Government of India Act 1935 diarchy abolish हो गई थी इसमें, provision for federation of India and partial reorganization of provinces. विद रेफरेंस टू फिश प्रोडक्शन इन इंडिया, ये बता दिया, अगला क्वेश्चन पे है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस।
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट आर मोस्ट कॉमन. इम्पॉर्टेंट ट्रीज इंक्लूड सैंडलवुड, शीशम, महुआ, साल, टीक, बैम्बू, ये सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री एडमिनिस्टर्स कोको आइलैंड इन अंडमान सी? अंडमान सी में कोको आइलैंड किसके अंडर में है? अंडमान सी के क्षेत्र में कोको आइलैंड किसका एरिया है? दीपक शर्मा, राजस्थान जे लोकल नहीं पढ़ा है तो राजस्थान जे ही देना चाहिए. लक्ष्य वाली जो बुक आती है या कोई लोकल बुक, वहाँ विवास वगैरह आती है, वो देख लो. पेपर देने जरूर जाओ, फॉर्म भरा हुआ है, पेपर दे दो. मयंक यश लहा, प्लीज स्टार्ट वन मोर टेस्ट सीरीज, फर्स्ट वन वॉज वेरी हेल्पफुल. टेस्ट सीरीज तो मयंक चली रही है ऑलरेडी, और किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए आपको? टेस्ट सीरीज तो ऑलरेडी चल रही है. मैंने कितने 12 टेस्ट तो ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं, 10 टेस्ट हो भी चुके हैं. आप किस एग्ज़ाम के लिए और टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं वो बताइए पहले. इधर के जितनी भी एग्ज़ाम है जीएस वाले, वो तो मैंने ऑलरेडी शुरू कर रखा है, चल रही है टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है ये. कोको आइलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी. अभी आज भी पेपर था, कल भी टेस्ट पेपर था. म्यांमार, कोको आइलैंड म्यांमार. कुद्रमुख आयरन ओर कहाँ फेमस है ये? कुद्रमुख. कुद्रमुख आयरन ओर कहाँ है? कुद्रमुख कर्नाटका. कर्नाटका. फरक्का बैराज कहाँ पर है, किस रिवर पे है? कहाँ फरक्का बैराज किस रिवर पे है और कहाँ है? कुछ बच्चे लिख रहे हैं जीएस वगैरह कवर नहीं हो पा रहा है. जनवरी से पढ़ा रहा हूँ मैं जीएस. अगर एक एक घंटे आप रेगुलर पढ़े रहते तो लॉकडाउन वगैरह का जितना टाइम था उतने भी कंप्लीट कर लेते आप. और ये हमेशा होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले हड़बड़ी मस्ती है कि अब क्या करना है. मैंने बताया ना, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 2-3% क्राउड ही सेलेक्ट क्यों होता है? पूरे फॉर्म भरने का 10% क्राउड ही एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है. 90% वो होता है जब एग्ज़ाम की डेट आती है तब पढ़ना शुरू करते हैं. उसमें भी आधे लोग एग्ज़ाम के पहले गिव अप कर देते हैं और 4 दिन पहले सोचते हैं कहाँ से क्या करूँ. उस तरीके से पेपर निकलता भी नहीं है. जो तैयारी पूरे साल की है उसमें 2-4 दिन का चक्कर नहीं है. पूरे साल जीएस पढ़ाया है, एक एक घंटा पढ़े हो तो तभी कंप्लीट हो गया होता. आज आप बोलोगे 10 दिन बाद कैसे करूं, तो टाइम मत खराब करो, अपना भी मेरा भी. जादू की छड़ी नहीं, 10 दिन में हो जाएगा. दूसरा फॉर्म भरो, उसके लिए भी ऐसी करो. जीएस पूरे साल पढ़ाया है, इतना समय था, लॉकडाउन में समय था. 4 दिन पहले मैं क्या बता दूंगा, कर लोगे. फरक्का बैराज गंगा के ऊपर है. यूपीपीएससी में इतना समय मिला, इतनी इतनी बार एग्जाम कैंसिल हुआ, तो भी तैयारी नहीं है.
पिछली डेट पे एग्जाम हो गया हो तो फिर क्या करते? कॉलेज खुले हैं तो कॉलेज अब खुले हैं, पूरा साल लॉकडाउन था, कहीं कोई काम नहीं था खाली पढ़ने के अलावा। बहुत लोगों की आदत ही एग्जाम की जब डेट आ जाती है, जब एडमिट कार्ड आ जाता है, तब उठ के पढ़ना शुरू करते हैं। ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। रेगुलर पढ़ेंगे तो निकलेगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं निकलेगा। नंबर ऑफ सीटें लिमिटेड है, क्राउड ज्यादा है, दिक्कत होगी ही होगी। एस्ट्रॉइड माइनिंग रॉबर्ट, शुरू में एक ही दो दो घंटे क्लास करा के भी कंप्लीट कर दिया सिलेबस मैंने, और आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। ऐसा तो है नहीं टेक्निकल पढ़े होगे तो 20 घंटे रेगुलर टेक्निकल पढ़ते होगे। एस्ट्रॉइड माइनिंग रॉबर्ट, एस्ट्रॉइड माइनिंग रॉबर्ट स्पेस में भेजा है चाइना ने। चाइना इज एक्सपेक्टेड टू सेंड द वर्ल्ड फर्स्ट माइनिंग रॉबर्ट इन टू स्पेस बाई नवंबर 2020 थ्रू ए प्राइवेट बीजिंग कंपनी ओरिजिन स्पेस। द माइनिंग रॉबर्ट नेम्ड एज एन एस्ट्रॉइड माइनिंग रॉबर्ट विल बी ए पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी असेसमेंट टू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस। द स्पेस क्राफ्ट नियोवन, नाम इसका नियोवन, नियोवन स्पेस क्राफ्ट नियो वन विल बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड अ चाइनीज लॉन्ग मार्च रॉकेट। विच कंट्री हैज क्लेम्ड डियाउ आइलैंड, विच कंट्री हैज क्लेम्ड डियाउ आइलैंड एज इट्स टेरिटरी एंड डिक्लेयर्ड इट्स राइट टू कंडक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज। कौन क्लेम कर रहा है डियाउ आइलैंड को अपनी टेरिटरी के तौर पे? एक्टिविटीज वगैरह शुरू कर दिया है। ये किसकी नीति है? एक्सपेंशन की नीति। एक्सपेंशन की नीति किसकी है? चाइना। यही करता है कब जब जब काम। चाइना हैज रिसेंटली क्लेम्ड दैट द डियाउ आइलैंड आर चाइनीज टेरिटरी एंड इट हैज द राइट टू कंडक्ट लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी इन द एरिया। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन वॉन्ग वेनबिन डिनाइड द क्रिटिसिज्म ऑफ द यूएस ऑफ इनकर्जन ऑफ चाइना। द आइलैंड लोकेटेड इन द ईस्ट चाइना सी हैज ऑल्सो बिन क्लेम्ड बाई जापान फॉर सेवरल ईयर। तो जापान चाइना के बीच प्रॉब्लम है इसको लेकर, एंड जापान कॉल्स द टेरिटरी एज सिंकाकू और चाइना इसको बोलता है डियाऊ। जापान इस टेरिटरी को सिंकाकू बोलता है और चाइना इसको डियाऊ बोलता है। तो डियाऊ आइलैंड न्यूज में था अभी हाल ही में, चाइना ने कब्जा किया इस पर, अपने लॉ वगैरह लागू करना शुरू कर दिया है। किसने हाल ही में लॉन्च किया एस्थ्रोस? एस्थ्रोस हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो करंट के काफी क्वेश्चन टेस्ट पेपर से ही कवर हो रहे हैं आपके, सारे टेस्ट पेपर मिला लोगे उसमें करंट के जितने क्वेश्चन है काफी क्वेश्चन तो वहीं पर आ गए हैं। उसके अलावा जो क्लास में पढ़ाया है वो अलग। नासा अनाउंस दैट इट हैज स्टार्टेड टू वर्क ऑन अ न्यू मिशन नेम्ड एस्थ्रोस। इट स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। इट स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। द मिशन एम टू सेंड अ टेलीस्कोप ऑन ए फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून। द मिशन एम टू सेंड अ टेलीस्कोप ऑन ए फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून इन टू द स्ट्रेटोस्फेयर टू ऑब्जर्व फार इंफ्रारेड लाइट दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ। 2020 में इसको लॉन्च करेंगे अंटार्क्टिका से। 2020
2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च होगा। किस कंट्री में लोकस्ट अटैक की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी? लोकस्ट अटैक की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। आकाश गुहा रॉय, यूपीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ गया, तुम्हारा क्या रहा आकाश? दिया था ना आपने, तो प्री निकला नहीं? यूपीपीसी से सफर का रिजल्ट आ गया तो क्या रहा, सिलेक्शन वगैरह कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी पाकिस्तान में। विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट ये 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप, 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, आईसीसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 50 ओवर वर्ल्ड कप सुपर लीग क्वालिफिकेशन है सब। खाली मेन ये रखो बस, इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया। हाल ही में स्पेसक्राफ्ट भेजा मार्स पे, ये 330 वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन कराए थे मैंने। स्पेसक्राफ्ट मार्स पे भेजा है होप नाम से, किस कंट्री ने भेजा? होप नाम से स्पेसक्राफ्ट मार्स पे भेजा है किस कंट्री ने? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। The UAE has become the first Arab country to launch a spacecraft to Mars named Hope. DRDO के हेड जी सतीश रेड्डी, दो ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है, DRDO के हेड है ये। रोहित वत्स, बाकी सब्जेक्ट पढ़ो फिर, करंट जीके एनवायरनमेंट कर लिया है, लाइफ साइंस कंप्लीट करो, लाइफ साइंस पॉलिटी हिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ाया है यार, तो जो नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट करो ना, लाइफ साइंस करो पहले। हाल ही में ऑयल लीकेज की वजह से कहां पर डिक्लेयर हुई थी एनवायरमेंटल इमरजेंसी? ऑयल लीकेज की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी मॉरिशियस में। शिप का नाम था वकाशियो, ऑयल लीकेज की वजह से वकाशियो शिप था, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी मॉरिशियस। किसके कारण कौन सी बीमारी है इसमें?
विटामिन सी की कमी स्कर्वी, विटामिन डी की कमी रिकेट्स, विटामिन ई ई की कमी नाइट ब्लाइंडनेस, गलत, नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए, विटामिन ए। गदर पार्टी वॉज ए लाला हरदयाल ने बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में, रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को बनाई थी लाला हरदयाल। इन द अर्ली 20th सेंचुरी मेनी एक्टिविस्ट फ्रॉम देन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया अराइव्ड इन सैन फ्रांसिस्को, आइडियल्स ऑफ नेशनलिज्म बीटिंग स्ट्रांगली इन देयर हर्ट्स, दे गेव बर्थ टू एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द गदर पार्टी। एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में दिया हुआ है, एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में गिवन है, एंटी डिफेक्शन लॉ दिया है किस शेड्यूल में। टेन शेड्यूल, एक्सप्लेनेशन में सारे शेड्यूल दिए थे मैंने एक साथ, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पूछ बैठता है 11th शेड्यूल में क्या दिया है, 12th शेड्यूल में क्या दिया है, तो शेड्यूल जरूरी है याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ जाता है ये। 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, 8th में लैंग्वेजेस, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th में पंचायत, 12th में म्यूनिसिपलिटी, तो शेड्यूल पर क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य का मामला सीधे तौर पर डील करता है, ये उसका ओरिजिनल अधिकार क्षेत्र में आता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो मामले हो, डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आते हैं, सीधा सीधा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, अपील के द्वारा जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अधिकार क्षेत्र में आता है, सीधे ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। Who among the following can be the chairman of NHRC? ये तो काफ़ी बार हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, काफ़ी बार देखा है हमने ये क्वेश्चन। रिटायर्ड CJI, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल? मैमल जिसमें मिल्क सिक्रेशन के लिए होती है मैमरी ग्लैंड, मिल्क सिक्रेशन के लिए जिनमें है मैमरी ग्लैंड। बताया था मैंने कुछ और भी एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी में मिल्क बनता है, जैसे पिजन और पेंगुइन, पर उसमें मैमरी ग्लैंड से मिल्क नहीं बनता, इसलिए वो मैमल नहीं है। पिजन और पेंगुइन उसमें मेल फीमेल दोनों मिल्क प्रोड्यूस करते हैं पर मैमरी ग्लैंड नहीं होती, तो मिल्क प्रोड्यूस करना ही मैमल है ऐसा नहीं है। मैमरी ग्लैंड हो जिसमें और वो मिल्क प्रोड्यूस करता हो वो मैमल है, मैमरी ग्लैंड के द्वारा मिल्क प्रोड्यूस होता हो वो मैमल है। तो प्लेटिपस, प्लेटिपस मैमल है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ज्यादातर मैमल बच्चे को जन्म देते हैं जबकि प्लेटिपस अंडा देता है, प्लेटिपस अंडा देता है और पॉइजनस भी होता है, ऐसा दिखता है ये देखो। और फीचर्स होते हैं मैमल के बॉडी पे, हेयर, नाखून, फोर चैम्बर्ड हर्ट, ये है मैमल। देखो नाखून है, ये नाखून बने हुए हैं, ये नाखून बने हैं, बॉडी पे हेयर्स भी हैं, ऐसे बत्तख की तरह मुंह होता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है प्लेटिपस। प्लेटिपस पॉइजनस भी है, मैमल जहरीले नहीं होते पर प्लेटिपस पॉइजनस भी होता है। वाटर पॉल्यूटेड, ये पॉल्यूटेड वाटर मतलब वाटर पॉल्यूशन से इसमें से कौन सी बीमारी होती है? कीवी मैमल नहीं है शाश्वत, कीवी मैमल नहीं है, कीवी बर्ड में आता है, फ्लाइटलेस बर्ड। प्लेटिपस और एकिडना ये दोनों हैं जो मैमल है, मैमरी ग्लैंड होती है इसमें, कीवी बर्ड में आएगा। ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न डिजीज है, ये बोल रहे हैं कौन सा पानी से नहीं होता, पूछा है कौन सा नहीं होता है। टीबी एयरबॉर्न डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाला, बाकी सब वाटर से होते हैं, ये बाकी सब वाटर से फैलते हैं। कंगारू मैमल है, कंगारू मैमल है, मैमल में भी एडवांस कैटेगरी जिन्हें बोलते हैं मार्सुपियल, ऐसे मैमल जिनके पेट में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चे को कैरी करने के लिए, वो स्पेशल टाइप के मैमल हैं जिनको मार्सुपियल कहते हैं, कंगारू मैमल है। मैमल में भी मार्सुपियल है, पेट में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चे को कैरी करने के लिए। इसमें से कौन सा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का फीचर है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का फीचर है कौन सा इसमें से? सर्दियों में बारिश होना, रेन इन विंटर सीजन। भूमध्य सागर के ऊपर बनता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भूमध्य सागर के ऊपर बनता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सर्दियों में बारिश होने का रीजन है ये। संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी हमने तब आया था ये, किस भाषा में लिखा गया है ये, और कोई फेमस किताब बताओ। संगम लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया है और कोई फेमस किताब बताइए इसमें। ये लिखा गया है तमिल में, तमिल में, और इसकी एक फेमस किताब है तोलक्का पीएम, जो तोलक्का पीआर ने लिखी थी, ग्रामर बुक है ये, तोलक्का पीएम, तोलक्का पीआर ने लिखी थी ये। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन।
आयरन ओर माइनिंग जिन एरिया में की जाती है वहाँ पर ग्राउंड वाटर में आयरन के कौन सा पोल्यूटेंट आ जाता है, आयरन ओर माइनिंग वाले एरियाज में इसमें से कौन सा पोल्यूटेंट ऐड हो जाता है, मतलब ज़्यादा पाया गया है कि उस एरिया में ज़्यादा मिलता है, ये वाटर पोल्यूशन करता है। आर्सेनिक यहाँ पर आता है, आर्सेनिक। ये क्वेश्चन तो कई बार पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी रिवर इंडिया के बाहर से ओरिजिन है। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इंडियस, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या स्टेटमेंट सही है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है इनडायरेक्टली, ये बात सही है। इलेक्टोरल कॉलेज से आता है जिसमें इलेक्टेड एमपी इलेक्टेड एमएलए वोट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज से आता है जिसमें इलेक्टेड एमपी इलेक्टेड एमएलए वोट करते हैं, ट्रू। इलेक्टेड डायरेक्टली, फॉल्स। एमएलसी का कोई रोल नहीं होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, एमएलसी का रोल नहीं होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ट्रू। इलेक्टेड एमपी इलेक्टेड एमएलए यही लोग वोट करते हैं बस, तो ओनली वन टू एंड फोर, वन टू एंड फोर। अरिहंत, इंडिया का खुद से बनाया हुआ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इंडिया का खुद से बनाया हुआ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है अरिहंत। खुद से बनाया हुआ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसको बनाया है इंडियन नेवी प्लस बीएआरसी प्लस डीआरडीओ इन सब ने मिलकर, इंडियन नेवी, बीएआरसी, डीआरडीओ इन सब ने मिलकर डेवलप किया है इसको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कि कोई भी एडॉप्टेड चाइल्ड गद्दी पर नहीं बैठेगा। डलहौजी की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कोई भी एडॉप्टेड चाइल्ड जो होगा गद्दी पर नहीं बैठेगा। झांसी, सतारा इन जगहों पर यही रूल अप्लाई किया था इसने कंपनी के रूल को बढ़ाने के लिए। एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ कंपनी, एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
इसको बढ़ावा देने के लिए, कौन सा एक वार्म ओशियन करंट है? वार्म ओशियन करंट है कुरोशियो। कौन सा एक वार्म ओशियन करंट है? कुरोशियो। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था किस रूलर ने? नालंदा यूनिवर्सिटी किस रूलर के द्वारा बनाया गया? कुमारगुप्त प्रथम, 5th सेंचुरी AD में। कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया 5th सेंचुरी AD में। और तक्षशिला, तक्षशिला सबसे पुरानी थी, सबसे पुरानी थी तक्षशिला। चाणक्य वही पढ़ाया करते थे और वो वाला एरिया पड़ता है अभी पाकिस्तान में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, चाणक्य वहाँ पढ़ाया करते थे, वो एरिया पड़ता है पाकिस्तान। मौर्य डायनेस्टी का अंतिम रूलर क्रूअल राजा था, जिसको जनता भी चाहती थी कि हटा दिया जाए, तो उसी के कमांडर पुष्यमित्र शुंगा ने उसको मार दिया था, बृहद्रथ। मौर्य डायनेस्टी का अंतिम रूलर बृहद्रथ, जिसको इसी के कमांडर पुष्यमित्र शुंगा ने मार डाला था। मिनरल्स पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें मिलती हैं सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शेल रॉक्स। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक के ये सब एग्जाम्पल हो गए। वायरस, वायरस के अंदर कोई सेल नहीं होता, बना होता है DNA, RNA में से कोई एक चीज़ प्लस प्रोटीन। वायरस पैरासाइट है, लिविंग बॉडी में ही सर्वाइव कर सकता है। ये बना होता है प्रोटीन प्लस DNA RNA में से कोई एक चीज़ होगी। ये जहाँ रहता है वैसा बिहेव करता है। डिमित्री इवानोस्की, रशियन साइंटिस्ट ने पता लगाया था इसका 1892 में। तो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, जहाँ रहेगा वैसा रहेगा। नॉन लिविंग चीज़ पे है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, लिविंग में है तो लिविंग की तरह। इसमें से ज़्यादा एनर्जी कौन जनरेट करता है? कार्बोहाइड्रेट एकमात्र सोर्स है एनर्जी का ह्यूमन के लिए, गलत। सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है फैट, तो एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो कार्बोहाइड्रेट ओनली सोर्स है एनर्जी का ह्यूमन के लिए, गलत। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है औरों के मुकाबले, ट्रू। 1 ग्राम में 9.2 कैलोरी प्रोड्यूस करता है फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूस करता है 9.2 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं लगभग 4 कैलोरी। अब किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई कंसर्न है, कुछ पूछना है तो बताइए। जब 1 क्लास हमारी और रहेगी, 9 to 10, 9 to 10 वाली क्लास होगी आज। MPPSC में राम नरेश 30% के आसपास लोकल पूछेगा, बाकी GS तो सब यही रहेगा, 30% के आसपास लोकल आएगा। AE के पेपर में आकाश, सोन टक्के, AE के पेपर में स्टेट लोकल ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये बता रखा है मैंने, बहुत बार बताया हुआ है। AE का पेपर बाई लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। सिया यादव, वोटिंग कब से स्टार्ट हुई? वोटिंग किसके बारे में बात कर रही हो आप? UPPSC AE में GS में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ होगा? 25 में से 18 तक बन सकते हैं। UPPSC AE 60% से कम कट ऑफ उम्मीद मत करिएगा, कंपटीशन टफ है, सभी लोग देंगे पेपर।
ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं।